हेलो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। गाइज, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्वाटेक्स के लाइव ट्रेड में। तो गाइज, अभी जो मैंने एक ट्रेड लिया है वो SNR को देख के लिया है और हमारा ये विन होनी चाहिए, क्योंकि विन तो होनी ही चाहिए SNR पे। हाँ गाइज, ये हमारा विन हो गया, एक और ट्रेड हम ले लिए हैं। तो गाइज, ट्रेड हमारा विन है, अब हम दूसरा ट्रेड देखते हैं विन होता है या नहीं। तो गाइज, ये ट्रेड लॉस हो गया, इसलिए हम मनी मैनेजमेंट फॉलो करके मार्टिंगल यूज करेंगे। और अभी ट्रेड को तो विन होना ही चाहिए, क्योंकि SNR चाहे ब्रेकआउट करे चाहे कुछ भी करे, बट ये ब्रेकआउट से सपोर्ट ले रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो गाइज, ये ट्रेड हमारा विन होने वाला है, तो विन हो ही गया। तो गाइज, एक ट्रेड और मैं डाउन डायरेक्शन की ओर लेना चाहता हूँ। क्यों? इसका रीज़न हमारे कोर्स वीडियो पे मिल जाएगा कि मैं क्यों डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लिया। ठीक, अगर आपने हमारा कोर्स का वीडियो नहीं देखा तो हमारे YouTube चैनल पे डाला हुआ है पहले से ही, तो आप देख सकते हैं। देखो, मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, मार्केट यहाँ तक गिर सकती है। अगले 5 मिनट के लिए भी अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारी ट्रेड विन होगी, बट कोई ना, हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो गाइज, ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है और हम अभी कैंडल को देख रहे हैं कि कैंडल अगले 5 मिनट में नीचे जाएगी या नहीं जाएगी। आप CHF JPY को देखना कि ये 5 मिनट नीचे जाएगी या नहीं, मेरा प्रेडिक्शन सही हो रहा है या नहीं। ठीक, तो वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और अगर आपका कोई भी ट्रेडर फ्रेंड होगा तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आसानी से सीख सके। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन रहा है, तो गाइज इसे देखते हैं क्या होता है। तो गाइज, अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो गाइज हम एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ओर ले सकते हैं, बट अभी लेंगे भी नहीं जब पहला ट्रेड डाउन डायरेक्शन पे चली जाएगी। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होके दूसरी कैंडल रेड बन जाएगी तो हम तीसरी कैंडल पे रेड मतलब कि डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेंगे। ठीक, तो आप देखते रहिए क्या होता है हमारे ट्रेडिंग एक्यूरेसी, देखते रहिए कितना परसेंट ट्रेडिंग एक्यूरेसी है, उसके हिसाब से हमें बताइए कि हम क्या हैं। ठीक, तो गाइज, अगर ये कैंडल रेड बन गई तो हम अगला ट्रेड रेड ही कलर के कैंडल पे लेंगे। ठीक,
देखिए इसमें भी बोल रहा था ट्रेड लेने के लिए, बट मैं नहीं लिया क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा पता नहीं था कि मतलब 50% ऊपर की ओर चांस था, 50% नीचे की ओर। तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ट्रेड नहीं लिए, हमारा पैसा बच गया। अगर लिए भी होते तो पैसे ज़्यादा हो जाते, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी इसमें ट्रेड लेंगे। तो गाइज हम एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ओर ले रहे हैं, एक ट्रेड तो विन होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि जो हमें नॉलेज मिला है हम उसी के बेस पे हम ट्रेड ले रहे हैं, तो ये ट्रेड हमारी विन होना चाहिए। अगर अगर ट्रेड विन नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, अब प्रॉफिट भी हो रहोगे हमेशा। सो गाइज हम अगला ट्रेड अप ट्रेंड की ओर लिए, मतलब कि अप डायरेक्शन पे लिए है, बट ये हमारा ट्रेड के अगेंस्ट जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाइज मैं एक चीज़ और बताया रहा कि अगले 5 मिनट के लिए डाउन डायरेक्शन जाएगा, तो गई भी देख सकते हैं आप कितना लंबा नीचे गई अगले पाँच मिनट में ट्रेड, ठीक है। तो गाइज मेरा प्रेडिक्शन क्या ही गजब का है, ठीक है, कभी कभी लॉस होता है, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, अब लॉस तो होता रहता है, आप जानते हैं ट्रेडिंग में लॉस होगा ही, चाहे कोई भी कितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, लॉस ही होगा, आपको बस अपने लॉस को बचाना सीखो, ठीक। तो गाइज चलो अब हम दूसरा पेयर ले लेते हैं। और हाँ गाइज अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो OTC मार्केट में प्रैक्टिस आप मत कीजिए, मैं एक बात बोले दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि OTC मार्केट एक कंप्यूटर से बना हुआ मार्केट रहता है, और अगर आप ट्रेड भी लें तो रियल मार्केट में ही लें, OTC मार्केट में ना लें, क्योंकि OTC मार्केट में होता क्या है कि ये कंप्यूटर में चार्ट बनता है जो कि आप हार भी सकते हैं इसमें। आप जो ट्रेड लेंगे OTC मार्केट में उसके अगेंस्ट भी बहुत जाता है, तो इसलिए आप OTC मार्केट में ट्रेड ना ही लें तो चलेगा, ठीक। तो गाइज अगला ट्रेड हम अब ट्रेड की तरफ, अरे गाइज ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक विन हो जाएगा, मैं अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए सोच रहा था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। गाइज हमारा प्रेडिक्शन कैसे जा रहा है आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और ऐसे ही लाइव वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे आपको नॉलेजेबल वीडियो मिले गाइज, और मैं धीरे धीरे आपको पूरी अपना नॉलेज पूरी आपको दूंगा अगर मेरे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो। और इसमें भी लाइव ट्रेड भी मैं बताता रहूँगा कि क्या कैसे है, क्यों मैं ट्रेड लिया क्यों नहीं लिया, तो आज नहीं बताऊँगा कल बताऊँगा, ठीक, कल की वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। आज हमारा ट्रेड विन हो गया, लॉस तो हुआ ही नहीं, ठीक, तो हमारा ट्रेड कम से कम 5-6 हज़ार का हो गया। मैं अपना लाइव अकाउंट नहीं दिखा सकता, इट्स माई प्रॉब्लम। सो गाइज थैंक यू आज के इस वीडियो में बने रहने के लिए।